इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरबादी मैदान के स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं है विजुअल के माध्यम से कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सारथ महोत्सव मेला किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। सारे चीजों के उद्योग यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे, हालांकि वो कालीन हो या फिर वस्त्र उद्योग हो या फिर खादी से रिलेटेड कितने भी कपड़े हो, सारे आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे घूमने के लिए लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, इस मेले का सारे लोग जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ खास है इस मेले में, क्या लगता है भैया क्या कुछ खास है इस मेले में? कुछ खास तो नहीं है मैडम, कुछ खास नहीं लग रहा है। नहीं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं फिर? आपका कोई दुकान होगा या कालीन का? कालीन का दुकान है, फिर खास क्यों नहीं लग रहा है? क्या उस तरह से बिक्री नहीं है? नहीं, बिक्री नहीं है मैडम, बिक्री बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, तो हमने दुकानदारों से बात की, उनका कहना है कि बिक्री जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं अब अचार की स्टोर में, जहां पे हमारे साथ एक महिला मौजूद है। हम उनसे जानेंगे उनका नाम क्या है, वो आए कहां से है, और यहां पे उनका आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जो अचार का स्टॉल है वो कितनी बड़ी संख्या में यहां पे लगा हुआ है। आप हर एक तरह की जो अचार है यहां पे देख सकते हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम है अनीता देवी। अनीता देवी, मैं गुमला बिशुनपुर से आई हूँ जी। आपका यहाँ पे अचार के स्टॉल लगा है, आप यहाँ पे कब से स्टॉल लगा रहे हैं? हम 2014 से ही लगा रहे हैं, और 14 से ही हमें 4 साल लगातार बेस्ट अवार्ड मिला है। बेस्ट अवार्ड मिला है। हाँ, प्रथम महिला उद्यमी के नाम से भी मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला है, ये सारा चीज़ आजकल 4 साल से लगातार मिला। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं 2 से 3 साल मुरबादी में ये मेला नहीं लग रहा था, सरस मेला महोत्सव जो है नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? उसके बाद लोगों को ना और भी ज़्यादा ग्रामीण जो गांव के लोग हम लोग ले के आते हैं उसमें ज़्यादा रुचि हो गया उन लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ कि यूनिक हम लोग अचार लेके आए हैं, जामुन का सिरका जैसे महुआ का अचार हो गया, ये लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो अभी ब्लड बनाने में ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो नमकीन खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये महुआ का अचार हो गया, और ये मीठा जो पसंद करते हैं उनके लिए महुआ का लड्डू हो गया। तो ये दोनों ज़्यादा लोग आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं जी। तो जैसा कि आपने सुना कि कितना खास इस बार अचार आया है, जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं, वो लोग महुआ से शराब बनाने का काम करते हैं और शराब पीने का काम करते हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं ये महिला जो है उनका अचार ही बना डाला। और आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में जो है महुआ का अचार और महुआ का लड्डू बिक रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग 1 क्विंटल लेके आए थे महुआ का अचार, वो सारा अब ख़त्म होने के कगार में है, 5 केजी ही बचा हुआ है, फिर से घर से आ जाएगा। और महुआ का लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स है लोगों को, ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो भी सामान है वो वन उत्पाद से आधारित है, जंगल से बना हुआ चीज है। जैसे जामुन भी है तो हमारा नेतरहाट वाला वो जंगल प्योर, ये एक तरह से प्योर हो रहा है, ना कि इसमें कोई केमिकल की ना किसी चीज की मिलावट नहीं, ना कलर ना केमिकल कुछ भी यूज नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो हल्दी मसाला भी खुद से पीस लेते हैं और डालते हैं। तेल भी हमारा जो गांव के बगल में ही एक मील है उसी से हम लोग लेते हैं, जो बाजारों वाला तेल नहीं डालते हैं। तो जैसा कि एक तरफ से कहा जाए देसी अचार ये है महुआ का लड्डू देसी है, वही कहीं ना कहीं लोग जो है इसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। इनका कहना है कि अचार जो इनके बड़ी क्वांटिटी पे आई थी वो बिक चुकी है और कहीं ना कहीं अब इनके गांव से फिर आ रही है। आइए हम आपको ले चलते दूसरी ओर और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, क्या कुछ है, क्या कुछ यहाँ पे लगा है और क्या कुछ खास है। वहीं हम अब चलते हैं उद्योग विभाग की तरफ, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कीट से जो तैयार किए जाते हैं वस्त्र, वो सारे चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरह तरह के कीट जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। हम वहीं दुकानदारों से भी जानेंगे, बातें करेंगे, जैसे कि आपको हम वो कीट जो है नन्हे जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं जिसे वो पाला जाता है, उनकी सेवाएँ किस तरह की जाती है, हम उनसे जानेंगे विजुअल के माध्यम से। आप देख सकते हैं अंडी रेशम के कीट, आप देख सकते हैं कि ये कीट जो है पत्ते पे रखी हुई नज़र आ रही है, और इनका खाना भी जो है इनको इस पत्ते के माध्यम से ही मिल जाता है। वहीं हम इनसे जानेंगे क्या कुछ खास है भैया इस दुकान पे, और क्या कुछ दर्शाता है ये दुकान यहाँ पे। एक्चुअली ये दुकान नहीं है, ठीक है, ये हम प्रदर्शनी कर रहे हैं जी, झारखंड विभाग की तरफ से। रेशम के 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग 4 प्रकार के यहाँ पर पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, कैसे एक पर प्लांटेशन किया जाता है, कैसे इसका आगे जाके बेनिफिट क्या होता है, वो सब हम लोग
बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको पूरी चीज़ें देखनी है तो आपको इटकी रोड जा करके बस स्टैंड के समक्ष इनका पूरा कार्यालय है, वहाँ आप जा करके सारी चीज़ें रेशम के बारे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, हम महिलाओं को भी आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से कार्य करती हुई महिलाएँ जो है नज़र आती है। महिलाओं से जानेंगे कि क्या कुछ होता है, किस तरह से प्रोसेस पे आप लोग काम करती हैं, क्या कुछ किया जाता है। हम लोग यहाँ बॉयल करते हैं जी, बॉयल करने के बाद यहाँ निकालते हैं, निकालने के बाद उधर कपड़ा बनाने के लिए दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉयल किया हुआ जो कीट है वो किस तरह से उसमें धागा, जो नन्हा नन्हा सा धागा है एकदम महीन टाइप का, वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अब इधर देख सकते हैं कि धागे जो निकलते हैं उसे मोटा करने का काम जो है किस तरह से किया जाता है। हमारे साथ यहाँ एक महिला मौजूद है, आप कब से ये काम कर रही हैं दी? 2011 से काम कर रहे हैं हम लोग। 2011 से काम कर रहे हैं आप? हाँ। कैसा लगता है, कितनी मेहनतें लगती है, एक कपड़ा बुनने में कितना समय लगता है आपको? इसमें कपड़ा नहीं, इसमें मीटर के अनुसार बनाते हैं हम लोग जी। एक मीटर बुनने हाँ। में कितना टाइम लगता है हमको? ई वाला सिल्क बनाते हैं तो एक दिन लगता है एक मीटर बनाने में। क्या कुछ खास चूड़ियाँ इस बार तैयार करके लाए हैं आप लोग? ये हम लोग लाए हैं इस बार में महिलाओं के डिमांड पर मोबाइल चूड़ी, ये देखिए मेरे हाथ में है, इसमें LED लाइट भी है और आप ब्लूटूथ से गाना जोड़िए, हमारी हर जुड़ी में गाना बजेगा और आप उससे बात भी कर सकते हैं जी। ये बात करने के लिए भी ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से कनेक्ट, सब कनेक्ट है जी। तो जैसा कि आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। महिलाओं के हाथ के कंगन जो थे शोभा बढ़ाया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं अब नई चीज़ देखने को मिल रही है। वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक लाइट जो है यहाँ पे आप जगमगाती हुए देख रहे हैं, यहाँ पे गाने भी सुन सकते हैं आप और यहाँ तक की बात भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लूटूथ कनेक्ट करके। दुकानदार का कहना है कि ये महिलाओं के डिमांड से ये चूड़ियाँ बनाई गई है। लगभग कितने की ये चूड़ियाँ आ रही है? ये चूड़ियाँ 400 रुपये की आती है। कितनी? एक सेट है 400 रुपये की आ रही। कितने में बिक्री हो रही, कितने क्वांटिटी में ये बिक्री हो जाए? बहुत बिक्री है, माल नहीं है, 2 पीस बचा हुआ है, सब खत्म हो गया 5 दिन में। 5 दिन पे सब खत्म, माल स्टॉक खत्म हो गया, देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पे जो है स्टॉल उनके ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। कोई कोई तो अपने बाहर से अब स्टॉल की जो सामान है वो सब मंगाते भी नज़र आ रहे हैं। आपसे भी यही अनुरोध है कि आप आए यहाँ पे और सारस महोत्सव मेला का जो है लुत्फ़ उठाए और देखें यहाँ पे कि क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है और कितना लाभ की जो है मेला है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।